रखना का इंग्लिश अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होता है। देखिए कैसे, लाज रखना, नौकर रखना, नजर रखना, बात रखना, याद रखना, कार रखना, इन सभी रखना का अलग अलग इंग्लिश है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो वंस अगेन। आज हम लोग रखना का इंग्लिश अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। लाज रखना, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेव समवंस प्रेस्टीज। ठीक, उसने मेरी लाज रख ली, ही सेव्ड माय प्रेस्टीज। हमें अपने माता पिता की लाज रखनी चाहिए, अवश्य रखनी चाहिए। वी मस्ट सेव आवर पेरेंट्स प्रेस्टीज, या वी मस्ट सेव द प्रेस्टीज ऑफ आवर पेरेंट्स। नौकर रखना को इंग्लिश में कहते हैं एम्प्लॉय अ सर्वेंट। एम्प्लॉय अ सर्वेंट, एक नौकर क्यों नहीं रख लेते हैं? Why don't you employ a servant? या मैंने एक नौकर रखा है, I have employed a servant। नौकर रखना का employ a servant। नजर रखना का इंग्लिश keep an eye on। नजर रखना उस पर नजर रखना, जस्ट कीप एन आई ऑन हिम। हमें उस पर नजर रखना होगा, विल हैव टू कीप एन आई ऑन हिम। नजर रखना, आगे चलते हैं। बात रखना का इंग्लिश कीप प्रॉमिस। मैंने केवल आपकी बात रख ली है, I have just kept your promise। याद रखना का इंग्लिश रिमेंबर, या टू कीप समथिंग इन माइंड, कीप इन माइंड यह भी होता है, या रिमेंबर। इस छोटी सी बात को याद क्यों नहीं रखते? Why don't you remember this simpler thing? इस छोटी सी बात को क्यों नहीं याद रखते? Why don't you remember this simpler thing? ठीक, आगे है कार रखना। वह कार रखता है, He maintains a car। वह कार रखता है, maintain a car का मतलब कार रखना। वह कार रखता है, ही मेंटेन्स अ कार। एक सेकंड हैंड भी कार क्यों नहीं रख लेते? व्हाई डोंट यू मेंटेन इवन अ सेकंड हैंड कार। इस तरह से रखना का इंग्लिश अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होता है। देखते रहिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।